This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। यूएस संसद में 45% ज्यादा ग्रीन कार्ड्स जारी करने वाला बिल पेश, भारतीयों को हो सकता है फायदा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को ग्रीन कार्ड्स को लेकर एक अहम बिल संसद में पेश किया है। इसमें मेरिट के आधार पर इमिग्रेशन सिस्टम पर जोर दिया गया है, साथ ही 45% ग्रीन कार्ड्स में इजाफा करने की बात कही गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इस बिल को संसद में मुहर लगती है तो करीब 5 लाख भारतीयों को फायदा हो सकता है जो इस कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा पर चल रहे संशय की स्थिति साफ कर दी थी और कहा था कि वह एक्सटेंशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। इस फैसले के बाद 7.5 लाख इंडियन प्रोफेशनल्स को होगा, वो आगे भी नौकरियां करते रहेंगे, उन्हें भारत नहीं लौटना होगा। बिल का नाम क्या है? इस बिल का नाम सिक्योरिटी अमेरिकाज फ्यूचर एक्ट है। पहले इस पर अमेरिकी संसद में बहस होगी, अगर पास होता है तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भेजा जाएगा, फिर उनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। इस बिल में ग्रीन कार्ड जारी किए जाने की मौजूदा सीमा को 1.20 लाख से 45% बढ़ाकर 1.75 लाख सालाना करने की मांग की गई है। इस बिल के आने से क्या होगा फायदा? भारत समेत दूसरे देशों के लोगों को फायदा मिलेगा जो नौकरी के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। इसके लिए पहले H1B वीज़ा जारी किया जाता है, बाद में स्थायी तौर पर रहने के लिए कानूनी दर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रीन कार्ड्स जारी किया जाता है। 5 लाख भारतीयों ने किया अप्लाई। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 लाख भारतीयों ने ग्रीन कार्ड्स के लिए अप्लाई किया है। धन्यवाद।